हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। रोशनी की रसोई में आप सबका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ भथुआ भाजी की सब्जी। तो यहाँ भथुआ भाजी को अच्छे से साफ करके बारीक बारीक काट के रख ली हूँ मैं। ये भाजी बहुत ही अच्छा रहता है, गुड़कारी है और ठंडी के मौसम में ही मिलता है, तो इसको खाना ही चाहिए जब तक मौसम में मिल रहा है। और मैं इसको बनाने का तरीका आज आपको बता रही हूँ, एकदम सरल तरीका जिससे आप बना के खाइए। बहुत ही इसका स्वाद है, टेस्टी है, बहुत अच्छा है। चलिए देखते हैं। फिर सबसे पहले गैस ऑन करते हैं, कढ़ाई को अच्छा गर्म होने देते हैं, फिर उसके बाद इसमें डालेंगे तेल। अब इसमें डालेंगे ऑयल, तेल। आप कोई सा भी तेल यूज कर सकते हैं, अगर आपको सरसों तेल पसंद है तो आप वो डाल सकते हैं। मैं यहाँ रिफाइंड ऑयल डाली हूँ। ये 4 चम्मच के करीब होगा ये तेल जितना मैं डाली हूँ। भाजी है तो थोड़ा सा भाजी में ज्यादा ही तेल डालता है, आप भी डालिएगा। मैं यहाँ ली हूँ आलू, ये एक आलू है बड़ा साइज का, और एक प्याज है बड़ा साइज का, और यहाँ 4 से 5 हरी मिर्च है, ये 4 से 5 हरी मिर्च है। और यहाँ मैं 2-3 के करीब सूखा मिर्च ली हूँ। अगर ये आपको डालना है तो डाल सकते हैं, मैं थोड़ा सा डाली हूँ। और ये एक प्याज है, इसको मैं बारीक काट ली हूँ। और ये एक बड़ा साइज का आलू है, इसको भी ऐसे काट लेंगे क्यूब्स में, जैसे आपको पसंद है। और ये लहसुन है, करीबन एक ही लहसुन है, एक गुच्छा, इसको आप अच्छे से छील के ऐसे दरदरा कर सकते हैं। तेल हमारा गरम हो रहा है, अब तेल हमारा अच्छा गरम हो गया है। इसमें सबसे पहले डालेंगे लहसुन, उसके बाद डाल देंगे प्याज, फिर हरी मिर्ची, सूखी मिर्ची भी डाल देंगे। अब इसमें आलू को भी डाल देते हैं, एक साथ इसको पका लेते हैं। अब इसको अच्छे से फ्राई कर देंगे, आलू को पिघलते तक इसको पकाएंगे। कुछ भी भाजी वाजी बनाते हैं तो उसमें थोड़ा सा ज़्यादा लहसुन डालते हैं तो और अच्छा लगता है वो, तो वो लहसुन डालने में कंजूसी मत करिएगा, अच्छे से डालिएगा, इससे भाजी का जो स्वाद है वो अच्छे से उभर के आएगा। ये मैं 2 टमाटर ली हूँ मीडियम साइज का, इसको भी मैं बारीक बारीक काट लेती हूँ इसमें डालने के लिए। ये देखिए, अब हमारा आलू और प्याज जो मसाला है वो अच्छे से फ्राई हो गया। ये देखिए, हमको प्याज को इतना ही फ्राई करना है, इससे ज़्यादा नहीं फ्राई करना है। अब इसमें डाल देंगे ये टमाटर को, टमाटर को भी इसमें डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। टमाटर जो है वो भी अच्छे से पक रहा है इसमें। अब इसमें टमाटर के जितना ही थोड़ा सा नमक डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे, इतना भी टमाटर अच्छे से पिघल जाए। अब ये जो टमाटर है वो काफ़ी अच्छे से पक गया है, अब इसमें क्या करेंगे, भाजी को डाल देंगे। और इसमें हम हल्दी नहीं डालें क्योंकि भाजी है, तो मैं हल्दी नहीं डालती हूँ भाजी में। अगर आपको आप डालते हैं, अगर आपको पसंद है तो आप डाल सकते हैं। अब भाजी को थोड़ा थोड़ा करके इसमें डालेंगे, एक साथ साथ भाजी को मत डालिएगा क्योंकि कढ़ाई छोटा रहता है ना, जब गिर जाएगा इसलिए मैं तो थोड़ा थोड़ा करके डालती हूँ। फिर क्या है, ये थोड़ी देर पकता है फिर ये कम हो जाता है ऑटोमेटिक।
ये देखिए थोड़ा थोड़ा पकेगा फिर ये जगह बनाएगा। देखिए भाजी थोड़ा सा कम हो गया, अब जो बाकी भाजी बचा है वो भी मैं इसमें डाल दूंगी। भाजी को अच्छे से अब सब मसालों के साथ मिक्स कर लेते हैं, भून लेते हैं। और इसमें आलू के समय थोड़ा सा नमक डाली थी मैं, तो आप इसमें जब नमक डालेंगे तो भाजी के हिसाब से ही नमक डालिएगा, ज़्यादा बिल्कुल मत डालिएगा। मैं अपने परिवार के लोग जैसे खाते हैं उस हिसाब से मैं डाल रही हूँ नमक, आप देख के डालिएगा, क्योंकि भाजी वैसे भी पकने के बाद थोड़ी सी हो जाती है। अब ये भाजी को थोड़ी देर के लिए अपन ढक के रख देंगे, करीबन 2 मिनट के लिए। देखिए 2 मिनट बाद हमारी भाजी बहुत ही अच्छे से पक रही है, देखिए कितना कम हो गया। और इसमें पानी भी देखिए, भाजी में जो भी पानी रहता है इसको अच्छे से पकाइएगा। थोड़ी देर के लिए और ढक देते हैं 2-3 मिनट के लिए। ये देखिए हमारा भाजी अच्छे से पक गया है, करीबन इसको 6 से 7 मिनट लगा है पकाने में मेरे को। मैं आपको जल्दी दिखा रही हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए। ये देखिए इतना अच्छा इसका खुशबू आ रहा है ना, मैं बता नहीं सकती। आप एक बार कम से कम इस रेसिपी से बना के खाइए और देखिए कैसा लगेगा टेस्ट आपको। आप ऐसे ही बना के फिर खाएंगे। ये हमारा भाजी जो बन के एकदम रेडी हो गया है, ये इतना ही रहता है। अगर आपको और ज़्यादा सूखा पसंद है तो आप कर सकते हैं, लेकिन इतने में ही ये अच्छा लगता है। अब एकदम रेडी हो गया है खाने के लिए, पक गया है। अब गैस को बंद कर देते हैं। अब मैं प्लेट में निकाल के दिखाती हूँ आपको कैसा दिख रहा है, क्योंकि खाने में तो ये बहुत ही टेस्टी बना है। अभी बहुत गर्म है ये देखिए जितना सुंदर ये दिख रहा है, इसका स्वाद उससे भी ज़्यादा है। आप इसको रोटी के साथ खाइए या चावल के साथ खाइए, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाय बाय।